लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट स्टार्ट की थी एंड वी वर एबल टू डू ओनली टू क्वेश्चन राइट। आप लोगों ने बाकी जो है असाइनमेंट ट्राई किए? हाँ जी, 9A एंड 9B। ये मुझे एक चीज बताइए, 9A से रोल नंबर 14 माही शर्मा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बच्चे, आपने किया है असाइनमेंट ट्राई? असाइनमेंट सर, लेके आए हो ना आप अपने पास? यस सर। हाँ जी बताइए, कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए आपने? हाँ सर मुझे थर्ड में कंफ्यूजन थी। अच्छा जी, थर्ड हो गया, और फोर्थ कर लिया आपने? हाँ सर जी नहीं, नो सर। अच्छा जी, आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए मुझे प्लीज बताइए। सर थर्ड थर्ड में तो डाउट हो गया आपको, आई गॉट इट। फोर्थ आपने किया नहीं, फिफ्थ? फिफ्थ कर लिया आपने? नहीं किया बेटा, नहीं। अब मुझे ब्रीफ में बता दो आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं। सर बेटा आपने कोई क्वेश्चन किया है पहले तो मुझे ये बताइए, नहीं किया तो से स्ट्रेट अवे नो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नो। ठीक है, जाइए आप नीचे बैठ जाइए। हाँ जी, क्लास 9B, रोल नंबर 17 जसमीन। हाँ जी बेटा, आपने कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई किए हैं? हाँ जी बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे, उसके बाद वाले ट्राई करने थे ना। ठीक है, बैठ जाइए जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? थर्ड भी सम कर लिया है। 13 सम कर लिया आपने, थर्ड थर्ड बेटा। हाँ जी, थर्ड में क्या किया बताएंगे मुझे जरा। दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद रिस्पेक्टिंग एंगल्स, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करनी है जी। क्या किया बेटा आपने यहाँ पे? 2.3 2A 3, मतलब यू आर सेइंग दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे यस किया बेटा आपने बताएंगे मुझे आप? बताइए बेटा कैसे किया? आपने आंसर बताया है बट उसको किया तो होगा ना कुछ उसमें बेटा, यस बताइए क्या किया आपने? या तो कम आर के कर दिया फोर्थ हमने समझकर किया है। फोर्थ है जी? बिल्कुल हमने समझकर किया है। समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला। फोर्थ हमने किया है खुद से उधर। अच्छा फोर्थ किया, अभी आप थर्ड बोल रहे थे बेटा। उसका अकेला आंसर ही निकला है। अच्छा चलो, अभी फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ डिस्कस करेंगे जी। प्लीज सिट डाउन। कैन एनीवन फ्रॉम 9A एक्सप्लेन मी कि किस तरह से इन्होंने आंसर दिया है 2:3? कैन एनीवन एक्सप्लेन, प्लीज रेज योर हैंड। नो फिश मार्केट। रोल नंबर बताइए अपना, जिस जिस कौन बचा है मैं पूछता हूँ फिर। नहीं, एनीवन ट्राइड थर्ड क्वेश्चन, रेज योर हैंड। 9A में से कोई है बच्चा? हाँ जी, किसी का हाथ नहीं नजर आ रहा मुझे 9A में से। जिस बच्चे ने किया है वो माइक पे आ जाए जरा 9A से। हाँ जी बेटा, योर रोल नंबर 36, सुक्लीन कौर। सर ओके सुक्लीन, बताइए बेटा। एक्चुअली सर माय आंसर इज 5:6। अच्छा, योर आंसर इज 5:6।
अब ये वाले भी हो गए हैं। चलो आप बताएंगे आपने कैसे किया बेटा। यस सर, एंगल सर क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल क्यू पी एस मतलब दिस एंगल। यस प्लस हाँ जी प्लस प्लस एंगल क्यू आर एस वेरी गुड। हाँ जी क्या हो गया इन दोनों को। वेरी इक्वल्स टू 180 डिग्री गुड। ऑपोजिट एंगल्स 2y+4x। बेटा हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की थी। क्या प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ जी बच्चे आगे क्या किया आपने? यस नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 x इज इक्वल टू 180/6। हाउ कम सो 4 प्लस 2 बेटा? 2y+4x हाउ यू कैन ऐड देम बेटा? दे आर अनलाइक वेरिएबल्स। यू कैन ओनली ऐड लाइक वेरिएबल्स। लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो ना। दे आर अनलाइक टर्म्स। हाउ यू कैन ऐड देम? प्लीज एंड सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी 9B से किसने किया है बच्चे? आ जाइए माइक पे, फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट। रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 30 30। निखिल। यस सर। ओके निखिल बताइए। हाँ सर एंगल पी और एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 नहीं रॉन्ग है बेटा, बैठ जाइए। एनीवन एल्स किसने किया है? ये क्या हो गया? 9A की क्लास जो है इनका कनेक्शन। ओके सॉरी 9B का कनेक्शन कट गया है। 9A कैन यू हियर मी? सर। हाँ जी 9B ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी बेटा आपका रोल नंबर? 22 22। जुझार सिंह। हाँ जी सर। बेटा बताइए आप। सर एंगल एक्स प्लस एंगल आर एंगल? सिग्मा एंगल एस प्लस एंगल आर अच्छा जी। हाँ जी क्या हो गया इनको दोनों? 2x+4x 6x 180 डिवाइडेड बाय 6 नहीं एक्स बेटा प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नहीं गलत जा रहे हैं आप लोग। प्लीज 5:6 आंसर आया था। इसमें आंसर पे हम नहीं जाते। आंसर तो मुझे नहीं पता क्या है। आंसर नहीं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हमारा अगर स्टेप्स करेक्ट होगा तो आंसर विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। हमें आंसर पे जंप नहीं करना है बेटा। प्लीज सिट डाउन। आंसर की तरफ नहीं भागना है आपको, आपको प्रोसेस करेक्ट करना है। अगर आपने स्टेप्स करेक्ट किए आंसर अपने आप ठीक आ जाएगा। आंसर अगर कहीं लास्ट में जाके किस स्टेप में गलती भी हुई ना तो यू विल गेट द सेम मार्किंग। आंसर पे रश नहीं करना है आपको। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी है कौन सी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों अपोजिट एंगल्स इनका सम 180 डिग्री है, 1 और 2 का, राइट? तो दोनों इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा, यस यस नो? यस तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, दूसरी हमारे पास बन जाएगी 3y+2x। यस और नो? यस नाउ बोथ आर दीज इक्वल। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। फ्रॉम 1 एंड 2 सो कैन वी राइट 2y+4x इक्वल टू 3y+2x? यस यस और नो? अब यस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं जी। सर। सॉल्व कर लिया इसको, x को आप इस तरफ ले आइए और y को दूसरी तरफ ले जाइए जी। 4x-2x इज इक्वल टू 3y-2y। यहां तक तो कोई डाउट बच्चों? तो आपके पास क्या आ गया? 2x=y। यहां तक तो कोई डाउट? सर आप दोनों तरफ y से डिवाइड कर दें, सॉरी दोनों तरफ y से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? रादर 2y से डिवाइड कर दो, 2 से भी डिवाइड कर दो फिर। यहां तक तो कोई डाउट?
ये मैं कैलकुलेशन आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये देखिए यहां तक क्लियर है बच्चों? सर यहां तक कोई डाउट? इज इट क्लियर नाउ? अगर कैन वी राइट एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/2? ये चीज समझ आई आपको ही नहीं आई? बेटा y को जो है हमने डिवाइड कर दिया और 2 से भी डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को। हाँ जी, ये समझ में आया नहीं आया जी? एक मिनट, देखिए बेटा हमारे पास आ गया यहां तक कोई डाउट? इधर डिवाइड किया बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2y, 2y से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर प्लीज यूज द ब्लैक और ब्लू पेन बिकॉज योर बॉडी इज नॉट विजिबल टू द स्टूडेंट्स। ओके जी, थैंक यू। नाउ इट इज क्लियर? नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय 2y। अब ठीक नजर आ रहा है बेटा? थिकनेस भी मैंने इंक्रीज कर दिया थोड़ी सी। सो बोथ साइड डिवाइड कर दिया 2y से तो वन व्हाट इट बिकम्स, राइट? सो 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, y से y, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? 1/2। सो रेशो क्या आ गई? वन रेशो टू। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि जस्ट अ मोमेंट, कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया था 5:6, कुछ ने बताया था 2:3, तो दोनों ही आंसर इनकरेक्ट है, तो हमारा चॉइस का कौन सा होगा जी? None of these is the none of these is correct answer, right? Yes. किसी को डाउट बच्चों? No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फिगर विजिबल है सबको? यस सर। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ओ इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए सी बी मतलब दिस एंगल इज, इट इज गिवन 40 डिग्री, राइट? देन एंगल ए ओ बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है, बताइए जी ये एंगल बताना है हमें। हाँ जी, वन वन स्टूडेंट एट ए टाइम, रोल नंबर 28 सागर प्रताप सिंह राणा, आ जाइए जी। यस हाँ जी बच्चे, बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका और क्यों आएगा? सर आई थिंक इट्स आंसर इज 80 डिग्री। व्हाई इट इज 80 डिग्री बेटा? बिकॉज़ ए ओ बी इज अ डबल ऑफ ए सी बी, आई थिंक। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। ही इज एब्सोल्युटली राइट,
एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देयर फोर एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस द एंगल ए सी बी, हेंस बी चॉइस इज द राइट चॉइस. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है बच्चे? सेक्शन ए सेक्शन बी. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? देर आर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, बोथ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर है जी. ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एम. यस, क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? वर्बल क्वेश्चन है, बताइए कौन सा. मैं पूछता हूं जरा. रोल नंबर 10 हरजोत कौर 9B. एब्सेंट है. ओके, रोल नंबर 25 ऋषभ बजारत. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अरे यस. क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 3 सेंटीमीटर. व्हाई? सर उसमें सर जो एम ओ एंड ओ एन है उसमें सर एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी, उससे सर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे. प्लीज सिट डाउन बेटा, योर एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग. हाँ जी, 37 तानिया रानी. हाँ जी बच्चे, क्या लेंथ होगी ओ एन की? सेंटीमीटर. हाँ जी, 3 सेंटीमीटर. वाई? 3 सेंटीमीटर बेटा. सर इक्वल कोर्ड्स. इक्वल कोर्ड्स तो गिवन है आपको, ए बी और सी डी. ओ एम एंड ओ एन आर नॉट कोर्ड्स, वो तो कोर्ड्स नहीं है. सर इक्वल डिस्टेंस. यस, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. वेरी गुड, दिस इज ए प्रॉपर्टी थ्योरम होती है बेटा. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ए बी और सी डी की लेंथ सेम है एंड ओ एम इज द डिस्टेंस ऑफ द ए बी फ्रॉम द सेंटर, दैट इज 3. सो देयर फोर द डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम सेंटर ओ विल ऑल्सो बी सेम, हेंस द राइट चॉइस इज चॉइस डी. क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल बी डी सी इज 42 डिग्री. बी डी सी 42 डिग्री गिवन है. द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है जी. बी ए सी कैसे निकालेंगे जी? यस, रोल नंबर 21 जीवन. हाँ जी बेटा. सर इसमें डाउट है सर, हमने किया नहीं है ये वाला. अच्छा जी, और किस किस में डाउट है बेटा? और नहीं, बाकी सारे कर लिए सर? नो सर, फर्स्ट 5 किए हैं हमने बस. अच्छा, अभी थोड़ी देर के बाद फर्स्ट 6 हो जाएंगे, ऐसा है क्या? जब 6 क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ी देर में 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें डाउट नहीं है बेटा. ट्राई किए थे आपने? सच बताना, कोई अगर नहीं किए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. किए हैं किए हैं,
अच्छा क्या इसमें कोई समझ नहीं आया क्या करना है? फिगर करना देख के डर गए? अच्छा करना चलिए बैठ जाइए बेटा। ओके प्लीज रेज योर हैंड एनी वन हु कैन एक्सप्लेन। Raise your hands. Go and explain. हाँ जी मुझे सेक्शन 9A में एक हैंड नजर आ रहा है जी, बताइए बेटा आप फ्रंट। हाँ जी बताइए। Sir, in this question, the measure of ABC is given as 90 degree. ABC, Yes. यस इट इज नॉट गिवन बेटा, बट बाय द प्रॉपर्टी Yes. राइट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो सिंस AC इज डायमीटर, सो मेजर ऑफ एंगल ABC इज 90 डिग्री यस सर। सर राइट। बेटा एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी मेजर इज 180 डिग्री। सर बेटा देन देखिए, एक मिनट एक चीज देखिए, हमें एंगल BDC गिवन है, यस सर। हमें फाइंड ये करना है जी। सर यस तो सर इसके लिए आपको ये सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, सर यस जरूरी नहीं है हमें बेटा, सर हमें किस लिए चाहिए ये प्रॉपर्टी? मे आई टेल हाउ आई हैव डन। या प्लीज आप बैठ जाइए बेटा। हाँ जी कौन कौन बताएगा? प्लीज कम टू द माइक। लाइक एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल बीएसी विल आल्सो बी 42 डिग्री बिकॉज़ एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, शी इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए बेटा, अगर मैं इसको सर्कल को इस तरह से घुमा देता हूँ, अब मैं फिगर को रीड्रॉ करता हूँ, ये एंगल 42 डिग्री है, ये भी 42 होगा ना, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर आई इक्वल, यस और नो बच्चों? बड़ा यस सर सिंपल सा था, उसको थोड़ा घुमा के देख लो शेप को, समझ आ जाएगा राइट और नॉट। यस आपको 90 डिग्री की जरूरत तब पड़ती है अगर आपको ये एंगल निकालना था या कुछ और निकालना था राइट। यस और नो बच्चों, सबको सर क्लियर है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज टेल मी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 जी, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा आपको देखिए, अगर आप फिगर को यहाँ पे आपको कुछ चीजें मेंशन नहीं है, आपको फिगर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ बेटा, AD एंड DC आर इक्वल हियर राइट। इट इज गिवन, सो नाउ यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। कैन एनीबडी टेल मी विच प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई हेयर? रेज योर हैंड, प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी यूज होगी। नो वन? ओके देखिए बेटा, हमने एक प्रॉपर्टी की थी, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, की है प्रॉपर्टी जी है, यस और नो बेटा? इक्वल कॉर्ड्स गिवन है ये हमारे पास, तो इनके जो ये एंगल होंगे दिस एंड दिस विल बी इक्वल, बस हो गया क्वेश्चन। ये एंगल आपको गिवन है वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x-x, समझ में आया? यस आंसर आ गया? व्हाट विल बी इट्स आंसर? None of these. हाँ जी हाँ जी, प्लीज डाउट्स, मुझे लग रहा है किसी क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट को डाउट है प्लीज आस्क द डाउट्स। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नो नो नो, बिंडी बाजार,
सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन. बेटा देखिए, एक ना हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इफ दिस इज ए सर्कल, ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, राइट, ये सेंटर है, तो इन दोनों कॉर्ड्स का जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट. समझ में आ गया बेटा ये चीज? यस सर. अब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं हमारे पास, तो इनके जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दिस इज सेंटर ना, यस सर, तो दिस विल बी इक्वल. Yes, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम क्या है कि दे शुड हैव मेंशन इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, सो हमें यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, या फिर ये जो ड्राइंग है ना इसमें थोड़ा सा ये डॉटेड इस तरह से होना चाहिए था कि इट शुड बी विजिबल. इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है सबको क्वेश्चन? प्लीज कम टू द माइक एंड आस्क योर डाउट्स इफ समवन हैज. आई कैन सी सम पीपल हैव सम क्वेरीज. यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन. चलें आगे जी. सर. हाँ जी, हाँ जी, आइए बताइए, पूछिए डाउट, माइक पे आके पूछिए. सर यहाँ पर ए बी डी सर 90 डिग्री नहीं गिवन है? गिवन है? नहीं, बिल्कुल नहीं गिवन है जी. सर क्योंकि ए बी और बी डी रेडियस है. हाँ जी, ए बी और बी डी रेडियस. बेटा ए बी और अगर बी डी रेडियस है तो बी सी भी रेडियस होगा फिर. यस सर. अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? अगर वो तीनों रेडियाई हैं तो बी सेंटर हो गया. यस सर. नाउ स्टिल हैव डाउट? नो सर. प्लीज सिट डाउन. एनी अदर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यस सर. या प्लीज प्लीज बेटा. सर इसमें हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते? बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, एबीसी इज ए स्ट्रेट लाइन. इज इट ए स्ट्रेट लाइन? नो सर. अपने आप से क्वेश्चन पूछना है. आप पूछ बोल रहे हो कि मैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दूं. व्हाट इज लीनियर पेयर? एंगल ऑन द सेम लाइन. यस. इज इट अ स्ट्रेट लाइन? योर आंसर इज नो. तो वो खत्म होगी चॉइस. ओके सर. ओके, एनी अदर स्टूडेंट? किसी और बच्चे को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? जो प्रॉब्लम थी मैंने बता दी कि दे शुड हैव मेंशन कि ये बी जो है सेंटर है, बस वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, और कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है. चले आगे. Yes, sir. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. इन द गिवन फिगर एंगल ए बी डी, ए बी डी इज 70 डिग्री, ADB 30 डिग्री, देन एंगल BCD. हाँ जी, ये एंगल निकालना है. दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. माइक पे आके बोलिए जिसको बोलना है. अच्छा, वैसे ही आवाज थी. So these two angles are given. We have to find this angle. चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कुछ बच्चों से. हाँ जी, रोल नंबर 36 रिमता, आ जाइए बच्चे. हाँ जी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी. हाँ जी, कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे? एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वेरी गुड. तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया? 80 डिग्री. 80 डिग्री. सबको क्लियर है ये चीज? Yes, किसी को नहीं क्लियर है तो बता दीजिए. देखिए बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी,
इसके दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, यस और नो? Yes, तो ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क। ओके बेटा आगे बताइए रिमता, इसके बाद क्या किया आपने? सर एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी आर सप्लीमेंट्री। वेरी गुड, व्हाई? व्हाई दे आर सप्लीमेंट्री? बेटा अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज इट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और नॉट? यस सर। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके ऑल द फोर वर्टिसेस, वर्टिसेस आप लोगों को पता है ना सबको? Yes, so these are the vertices, मतलब corner points. ठीक है, they lie on the circle, so therefore these two angles, this angle and this angle, they are supplementary. Yes, sir. Supplementary मतलब sum 180 degree. Yes. अगर दोनों का sum 180 है और एक angle 80 degree है तो next will 100 degree. Yes, sir. आपको clear है? Yes. किसी student को कोई doubt? No, sir. प्लीज सिट डाउन रमता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अब हम। ठीक है, ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नाइन्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल डी ए बी इज 62 डिग्री, डी ए बी दिस एंटायर एंगल। This entire angle is 62 degree, right? Yes, sir. What else is given? Angle ABD. ABD. This angle is 58 degree. What we have to find out? Angle ACB. ये वाला angle निकालना है जी। हाँ जी। Who will explain? Roll number 4, Gaganjot Singh. 9A। हाँ जी बच्चे क्या करेंगे इसमें? किवें 60 डिग्री पुत्र? बेटा मेरी बात सुनो गगनजोत, पीछे वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं उनकी नहीं सुननी, वो तो गलत बताएंगे आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी किससे लाई? दस एंगल सम प्रॉपर्टी पर बोले किस पर लगाई है, कौन सी ट्रायंगल पर लगाई है प्लीज? ये पीछे से कौन हेल्प कर रहा है जी? क्या बेटा हेल्प नहीं करनी पीछे से किसी ने, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू हिम। गगनजोत बैठ जाइए जाके। 9B जसकरण सिंह रोल नंबर 14। नाइन एन आवाज ना आए आप लोगों की, बेटा जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वही रिप्लाई करेगा। हाँ जी बेटा बताइए जरा। सर प्लीज रिपीट दी क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने आ गया तो काका जी थोड़े किवे करना है इस क्वेश्चन नु? या योर रोल नंबर 40। शगुन, या टेल मी बेटा। सर एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नेमिंग है ना एंगल का दैट इज रॉन्ग, देयर इज नो एंगल ए और नो एंगल डी, यू हैव टू नेम इट प्रॉपरली। दिस इज एंगल डी ए बी और एंड एंगल ए बी डी, राइट? जब आप एंगल बी बोल रहे हैं
तो मुझे नहीं पता ना कि ये वाला एंगल है ये पूरा एंगल है, राइट? ठीक यस है, तो दीज टू आर द गिवन प्लस दिस एंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा एबीडी। इस ट्रायंगल के अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है, तो दैट इज एंगल एडी, दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी आपने, इनका सम कितना आ गया जी? 120। तो हमारे पास एडी भी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। Yes, sir. Now this angle is 60 degree, but we have to find this angle. It's also 60 degree. ये same question आ गया आपका, कौन सा था जी ये? Question number 6. Yes. Same question आ गया? Yes, sir. Sixth question की तरह है बेटा, बिल्कुल आगे। So if this angle is 60 degree, so this will also be 60 degree. Yes, sir. Angle subtended on the same segment, right? So answer will be 60 degree. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Very good, beta. Please sit down. Thank you. किसी student को कोई doubt है इस question में? No, sir. Okay. Next question पे आ जाइए जी. Question number 10. In the given figure, angle PQR is 120 degree. आपको गिवन है जी, दिस एंगल इज 120 डिग्री, राइट? वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, देन ओ पी आर, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, राइट बच्चों? ये 120 गिवन है, तो हाउ मच दिस एंगल विल बी? हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड, कौन बताएगा? हाँ जी, आप ही बता दीजिए, 9A में फ्रंट बेंच पे जो बैठे हैं जी। नहीं नहीं आप नहीं बेटा, आप नहीं, दैट बॉय स्टूडेंट, आप आ जाइए, आ जाइए, तीन, अरे तीन लोग बैठे हुए हैं ना, आप रेज कर रहे थे बेटा, आ जाइए, इसको धक्के मार रहे हैं पीछे वाला स्टूडेंट। तब विजिबल है बेटा, आप क्या कर रहे हो ना सर? वेट सर निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर थोड़ी सी। अच्छा, मैं कहा तुसी ता हैंड रेज कर रहे थे, चलो मैं ये दस दो केड़ी केड़ी प्रॉपर्टी लाओगे तुसी ओदे विच? सर ओदे ते तो कैलकुलेशन नहीं करनी, या ओदे भी कैलकुलेशन करनी है? सर एक मिनट, पी ओ आर इज हाँ, पी ओ आर पी क्यू आर माइनस, नहीं नहीं सुन सुन, एंगल पी के ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किवें काका जी? ओ बेटा वो कैसे, वो साइक्लिक थोड़े हैं, इज इट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सिट डाउन। हाँ जी, आप भी जो गर्ल स्टूडेंट फ्रंट बेंच पे ये बता रहे थे, आप आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन जॉइन पी एस एंड आर एस, वेयर इज एस? सर एट द बॉटम, यहाँ पे बना लो कोई। यस सर, ये 120 है, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये सबको समझ आई है? ये पॉइंट सबको समझ आया? यस और नो? यस सर। हमने बेटा एक पॉइंट ले लिया एस ऑन द सर्कल इन द अनदर सेगमेंट, राइट? यस सर। अब ये पॉइंट ले लिया, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बोथ आर सप्लीमेंट्री, तो
एंगल पी एस आर हमारे पास 60 डिग्री आ गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री, आगे क्या करेंगे बेटा? सर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑन एनी पार्ट ऑफ सर्कल। राइट, प्लीज सिट डाउन बेटा। अब देखिए बेटा, इस फिगर को मैं थोड़ा उल्टा बनाता हूँ, जरा आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये सेंटर हो गया, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाँ जी, ये सेंटर हो गया ना, 20 हो गया। Yes. Angle subtended at the center is double of the angle subtended at any point on the circle by chord callow or callow, एक ही बात है जी, right? तो इस figure को मैंने उल्टा कर दिया, देख रहे हो आप? Yes or no? Yes sir. तो ये वाला angle निकालना था हमें, this will be 120. Yes or no? Yes sir. तो answer will be 120 है ही नहीं चॉइस, यहाँ पे 120 होना चाहिए भाई, राइट? 30 डिग्री है सर, 30 डिग्री आंसर। एक मिनट, आपको पूछा क्या गया है? ओपीआर है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इट इज ओपीआर नॉट पीओआर, नहीं पूछा ओपीआर पूछा है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो इसके लिए ये 120 आ जाएगी। फिर आपके पास दिस एंड दिस आर रेडियाई, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल हम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, राइट? सो यू हैव टू फाइंड ओपीआर नॉट पीओआर, राइट? तो यहां तक 120 तक करेक्ट है, उसके बाद ये ट्रायंगल ले लिया आपने, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, लेट दे आर एक्स एंड एक्स, एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x is equal to 60 degree. Yes sir. And x is equal to 30 degree. So choice will be 30 degree, right? Is this clear? Yes sir. Is student ko koi doubt? No sir. Okay. हाँ जी, यहाँ पे आपको figure नहीं given है। PQRS is a cyclic quadrilateral such that PS is the diameter of the circle. मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। बेटा दिस इज अ सर्कल, देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यू राइट, व्हाट ही सेज सच दैट, अच्छा पीएस इज द डायमीटर, ओके थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं डायग्राम। ही इज सेइंग पीएस इज द डायमीटर, राइट जी? इज दिस क्लियर बेटा डायग्राम? नाउ ही इज सेइंग इफ एंगल क्यू पी आर इज, दिस इज 67 डिग्री एंड एंगल एस पी आर इज 72 डिग्री, देन क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड आउट करना है जी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, बड़ा सिंपल है जी। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री,
67 plus 72 let's say it is x is equal to 180 degree हो जाएगा ये स्टेप समझ आया सबको या नहीं आया नहीं आया जी आवाज नहीं आ रही है बेटा yes, yes, yes. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अगेन एंड अगेन हम कि एंगल अपोजिट आर सप्लीमेंट्री इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सो ये टोटल एक एंगल बन गया दिस एंगल इज एंगल पी एंड दिस इज एंगल आर सो सम ऑफ बोथ विल बी 180 डिग्री एंगल पी निकालने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया 67 एंड 72 समझ में आ रहा है देखो अगर आप सोचोगे कि क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो जाएगा तो ऐसा रेयरली होगा यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स राइट थोड़ा सा डिफरेंटली सोचो सारी प्रॉपर्टी मैच करके देखो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो देन अप्लाई द कॉन्सेप्ट राइट यस सर ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यस इन द गिवन फिगर ए बी एंड बी सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंगल बी ए ओ ये दिस पॉइंट इज ओ एंगल बी ए ओ इज 50 डिग्री मीन्स दिस इज 50 एंड बी सी ओ इज 35 डिग्री देन एंगल ए ओ सी ये एंगल फाइंड आउट करना है जी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको कंस्ट्रक्शन भी गिवन है ओबी को मीट कराया जी ओबी एंड ओ ए आर डायमीटर्स तो ये दोनों इक्वल हो गए तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल ये भी 50 डिग्री हो जाएगा यस और नो यस किसी को ये स्टेप नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड बेटा हाँ जी हाँ जी बच्चे Sir, in the previous question, DS QR is a cyclic coordinator. Given है बेटा PQRS. Given है बेटा PQRS is a cyclic coordinator. Should it be in the whole circle and not in a semicircle? बेटा, it hardly matter whether it is in a circle or a semicircle. It is a cyclic. Right or not? ये क्वेश्चन था बेटा यस सर देखिए जरा मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये देखिए बेटा आपका डाउट क्या है कि ये सेमी सर्कल में है इट हार्डली मैटर सेमी सर्कल में भी तो है सर्कल में भी तो है ना बेटा ये तो देन व्हाट इज द इश्यू क्वेश्चन क्या है वो आपका बताइए ये सेमी सर्कल में है नाउ इट यूज डाउट दैट पीक्यूआरएस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट यस इट इज अ साइक्लिक ना स्टिल साइक्लिक ठीक है तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी तो लग रही है ना बेटा ये सपोज ये तो सेमी सर्कल में है सपोज ये यहाँ पे होती लाइन देन आल्सो इट इज अ साइक्लिक इज इट क्लियर बेटा सर यस Please sit down. चलिए जी वापिस आ जाइए इस क्वेश्चन पे अब आपको गिवन है कि सेंटर है वो राइट इज इज क्लियर दो एंगल गिवन है 50 डिग्री एंड 35 डिग्री सो हमें क्या फाइंड आउट करना है ये एंगल फाइंड आउट करना है राइट ठीक है जी कैसे करेंगे देखिए
यहाँ पे ये हमारे पास रेडियाई हैं दो, ये और ये इक्वल है, ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा बेटा। आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दिस एंगल विल बी 50 डिग्री, राइट? दिस एंगल विल बी सिमिलरली 35 डिग्री, सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट और नॉट? बस अब तो हो गया क्वेश्चन, ये टोटल कितना बन गया? 35, इसका डबल ये हो जाएगा, कितना हो गया? 170, तो दिस इज योर राइट आंसर, क्लियर है? यस सर। तो वी आर डन विद दिस असाइनमेंट, नाउ एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, 12 के 12 क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज टेल मी, फील फ्री, नो हेजिटेशन, जिसको भी जो क्वेश्चन नहीं समझ आया आप दोबारा से पूछ सकते हैं। माइक पे आके बेटा। सर इन द सेवेंथ क्वेश्चन आई डिडंट अंडरस्टैंड इट्स कैलकुलेशन। हाँ जी, क्या नहीं समझ आया बेटा? कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई? बेटा देखिए दोनों कैलकुलेशन, 2x इज इक्वल टू x प्लस 48, तो उसको माइनस करना है बस, उसके बाद तो ये हो गया। x को मैं इस तरफ लेके आया, लाइक टर्म्स है, 2x माइनस x, x आ गया, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Any other doubt, students? No, sir. Section A, section B, किसी भी student को कोई doubt? No. Circle का topic clear हो गया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए अभी हमने जो की है ये basic assignment की है, moderate. Next class में थोड़ा सा high level की assignment करेंगे। Excuse me, sir. Yes, tell me. Doubting third question. थर्ड क्वेश्चन, या टेल मी व्हाट इज द डाउट सर इन कैलकुलेशन, हाउ द आंसर इज 1:3। ये देखिए बेटा क्या आ गई थी हमारे पास इक्वेशन, क्या बनी थी बोलिए, हमारे पास ये आ गया था ना बेटा, ऐसा नहीं 2x इज इक्वल टू y था, ये थी बेटा इक्वेशन, इसके बाद से डाउट था या इससे पहले ही डाउट था? इसके बाद। हाँ, इसके बाद ही होगा। देखिए बेटा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, मैं अगर इसको y को यहाँ पे नीचे ले आऊं तो ये 2x अपॉन y इक्वल टू 1 बच जाएगा, राइट और नॉट? अगर मैं इस 2 को इसके नीचे ले जाऊं 1 के नीचे तो क्या बचेगा, यस और नो? यही कैलकुलेशन थी बेटा। क्लियर है बच्चों? यस। कोई डाउट, और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। सो रेडी टू डू नेक्स्ट लेवल ऑफ असाइनमेंट? बेटा देखिए अगर आप घर जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, अभी जब मैं करा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अपने आप प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर होंगी, राइट? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी क्लोज डाउन, राइट? Till you have any doubts, you can talk to me in the next class. Anyone want to say something? No, sir. Okay, bachcho, all the best. Thank you, sir.
क्या बच्ची Thank you.